साइटेक एनर्जी और माया एनर्जी के द्वारा 29 जुलाई से 2 अगस्त तक 5 दिवसीय इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड लिथियम आयन बैटरी का बिजनेस वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में देश के विभिन्न राज्यों के अलग अलग शहरों के प्रतिभागी शामिल हुए। वर्कशॉप में इलेक्ट्रिक व्हीकल के कम्पोनेंट्स डिजाइनिंग, असेंबलिंग और पेट्रोल वाहन को इलेक्ट्रिक वाहन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, साथ ही लिथियम आयन बैटरी डिजाइनिंग एंड असेंबली की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप के समापन अवसर पर लघु उद्योग भारती वर्तमान कार्यकारिणी सदस्य जितेंद्र गुप्ता और साथ ही स्वावलंबी भारत अभियान की सदस्य प्रतिभा शुक्ला ने वर्कशॉप में शामिल प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए, साथ ही इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के भविष्य के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह बड़ी सामाजिक क्रांति का रूप लेगी और हिंदुस्तान ऊर्जा के क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि हम दुनिया को ग्रीन एनर्जी दे पाएंगे। हम लोगों ने एक उद्देश्य के साथ हमने ये ट्रेनिंग को लॉन्च किया इन एसोसिएशन विद माय एनर्जी अलायंस ओबीसी प्राइवेट लिमिटेड, जिसके डायरेक्टर शैलेंद्र मिश्रा सर हैं। हम लोगों ने एक उद्देश्य रखा कि आज इलेक्ट्रिक व्हीकल में, आज आप देखेंगे हर कोई आना चाहता है कि मैं भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में कुछ करना चाहता हूँ या मैं खुद एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहता हूँ, तो लेकिन आज नॉलेज की कमी होने के कारण वो उस इंडस्ट्री में आगे नहीं बढ़ पाता है और काफ़ी लूप होल्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो काम करना चाहते हैं, नॉलेज के लूप होल्स हैं। इसलिए हमने एक 5 डेज का अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल और लिथियम आयन बैटरी से रिलेटेड काफ़ी नॉलेज हमने, पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर की। कोविड के टाइम पे हमने इसको ऑनलाइन लेके आए थे लेकिन ऑनलाइन में कुछ लूप होल्स थे जिसको हम प्रैक्टिकली नहीं करवा पाए, लेकिन हमने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लॉन्च किया जिसमें ऑल ओवर इंडिया से पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आए हैं, अराउंड 20 पार्टिसिपेंट्स ऑल ओवर इंडिया से जो ये नॉलेज लेने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और आई विश देम अ वेरी गुड लक। मैं एक्चुअली डीलर हूँ जो कि ई रिक्शा में सबसे ज्यादा ई रिक्शा बेचता हूँ, अलग अलग जगह पे बेचता हूँ और हमारा सबसे बड़ा इशू जो होता है ना सेल्स और सर्विस में कि कोई कंट्रोल में प्रॉब्लम है, कोई मोटर में प्रॉब्लम है तो उसको हम सॉल्व नहीं कर पाते, तो इसलिए मैंने साइटेक सर जो कि सहम सर है उनसे बात की और उन्होंने बहुत अच्छे बढ़िया से हमें पढ़ाया और बहुत ही बढ़िया जो हमारे ट्रेनर है उनको लाए, क्योंकि इसमें हमें पता है कि ऑलरेडी बहुत लोगों को लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ नॉलेज होने के कारण वो हमारा जो भी इशू रहता वो सॉल्व नहीं कर पाते। एक्चुअली जो असेंबलर है ना वो भी सॉल्व नहीं कर पाते, उनको भी प्रॉपर नॉलेज नहीं होता। इस ट्रेनिंग से हम यही सीखे हैं कि अभी अपने जो भी छोटे मोटे प्रॉब्लम रहे हम भी सीख सकते हैं और दूसरों को भी थोड़ा बहुत सिखा सकते हैं, जो भी हमारे मैकेनिक है उनको भी हम सिखा सकते हैं। ये इस ट्रेनिंग से हमें बहुत बढ़िया तरह से मिला और भी यहाँ पे और अच्छी ट्रेनिंग चलेंगी और बहुत बढ़िया चलेंगी और जो गाइडलाइन है वो बहुत बढ़िया है। मैं आज आपको लाई हूँ इलेक्ट्रिकल व्हीकल की ट्रेनिंग में, जिसमें हम नॉर्मल इलेक्ट्रिकल व्हीकल को ईवी में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो हमारी ऑफिस में एक्टिवा थी उसको ईवी में कन्वर्ट किया है। इसमें हमने पेट्रोल टैंक और अपना जो इंजन रहता है उसको हटा दिया है, उसके जगह हमने ईवी की लिथियम बैटरी लगाई है जिससे अब ये पूरी एक्टिवा है वो ईवी में चलेगी। मैं अपने आप को टीचर की जगह लर्नर बोलना पसंद करूँगा क्योंकि हम लोग लाइफ टाइम सीखते हैं और मेरे साथ जो हैं जितने भी मेंबर्स हैं वो भी लर्नर हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम कितने लोगों को मैक्सिमम ईवी में प्रमोट कर सकते हैं या अवेयर कर सकते हैं, कितने लोगों को जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि आज इलेक्ट्रिक व्हीकल जो सेगमेंट है वो केवल इकोनॉमिकली ही नहीं बल्कि हमारे इंडिया के लिए, हमारे एनवायरमेंट के लिए हर तरीके से बेटर है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए एक ऑप्शन की तरह ना होके एक आपकी मजबूरी होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज करना, जिस दिन हमें पेट्रोल मिलेगा ही नहीं। तो हम लोग मिलकर के एक प्रयास कर रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया में जिस जगह भी टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम्स हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में टेक्नोलॉजी में आगे कैसे बढ़े, वो हम लोगों को देने का प्रयास कर रहे हैं। जितना हमारे पास है हम कम से कम उतना तो दें। ब्यूरो रिपोर्ट, एमएस चीवी, भोपाल।